डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सबसे कम उम्र में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति बने, एक बार नहीं बल्कि दो दो बार। डॉक्टर मुखर्जी बंगाल विश्वविद्यालय के उस समय कुलपति बने जब बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था। पंचायत मंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी नेहरू कैबिनेट में मंत्री बने, लेकिन बंगाल के विभाजन और कश्मीर के हालात से दुखी होकर उन्होंने मंत्री पद त्याग दिया था और जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। मंत्री प्रहलाद पटेल ने डॉक्टर मुखर्जी के 123वें जन्मदिन पर 123 पौधे लगाए और जनता से अपील की कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। जिस महापुरुष का जन्मदिन है उसे दे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो सबसे कम उम्र में देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के कुलपति बने दो बार, बंगाल विश्वविद्यालय के, उसमें वर्तमान का बांग्लादेश भी शामिल था, बिहार झारखंड नॉर्थ ईस्ट, और नेहरू की कैबिनेट में मनोनीत सरकार के पहले योजना मंत्री, लेकिन बंगाल का विभाजन और कश्मीर के विभाजन से दुखी होकर उनने मंत्री पद त्यागा तो जनसंघ के पहले अध्यक्ष बने। उनकी स्मृति में कि राष्ट्र की एकात्मता के लिए आजादी के बाद जो पहला बलिदान डॉक्टर मुखर्जी का था, उसे मैं एक पंक्ति में इतनी कहता हूं कि उन्हें अपने प्रण के लिए अपना पद भी छोड़ा और अपने प्राण भी दांव पर लगाए। तो उनके जन्मदिन पर हमारी अखिल भारतीय भारतीय जनता पार्टी ने एक पेड़ माँ के नाम का जो अभियान चलाया था, वो अभियान का दिन आज के दिन भी मुकर्रर था। वास्तव में 23 जून को उनका बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनका जन्मदिन है। इस पखवाड़े में ये आह्वान किया गया था कि हर कार्यकर्ता अपनी माँ के नाम पर एक पौधा लगाए। मैंने डॉक्टर मुखर्जी की 123वीं जयंती है तो मैंने 123 पौधे लगाए अपने निवास पर।